हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, आपको यहाँ पे हेडिंग से समझ जाना चाहिए स्थितिज का मतलब। दोस्तों, रुका हुआ देखिए, यहाँ से आपको सिंपल से बताते हैं, मतलब आपको डिफिनेशन बुक में किसी और जगह लिखा हो समझ नहीं मतलब, तो आपको एकदम सीधा से बताना होगा कि नहीं आवेशों को, मतलब दोस्तों चाहे दो आवेश हो या कोई भी हो, मतलब आप दो राइट कर सकते हो, राइट तो तब भी सही होगा, कि नहीं आवेशों को अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य या व्यय की गई ऊर्जा। देखिए आप उस तरह की गया व्यय की गई ऊर्जा को यहाँ पर व्यय की गई ऊर्जा के रूप में ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको यहाँ पे राइट करते हैं, करा किन्हीं दो आवेशों को अनंत से, तो क्या करा, अनंत का मतलब बहुत दूर से, समीप लाकर, आप लोग उसको पास पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य या व्यय की गई ऊर्जा ही, जो ऊर्जा व्यय होती वही ऊर्जा ही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ से सिंपल सी बात है, आप कोई आवेश ले लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आवेश होता है, और दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं Q2 आवेश। दोस्तों, आपको कहाँ पर दोनों रखे गए, अनंत पे रखा गया है। इन दोनों आवेशों को हम समीप ला करके कोई, यही जो दोनों आवेश थे इन दोनों को यहाँ पर कर देते हैं, वही दोनों को समीप लाकर हम किसी निकाय की रचना कर देते हैं। तो यही जो समीप लाने में जो किया गया कार्य होता है, इन दोनों कार्य या इनमें जो व्यय ऊर्जा होती है, वही जो ऊर्जा उस निकाय में किसके रूप में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसके बीच यही निकाय आपको बन गया, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। एक बार दोबारा सुनिएगा, वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जैसे आप लोग दोस्तों यहाँ पर हम जब कोई आवेश दिया रहेगा, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं आपको, इधर वैद्युत क्षेत्र ही लगेगा और बल भी उसके उधर ही होता है, या इसके जब विरुद्ध हम कोई कार्य करते हैं W, यही जो हमारा कार्य किया जाता है, आपको विभव में दोस्तों बताया गया है, जो यही कार्य किया जाता है, यही जो हमारा कार्य होता है, उस निकाय में किसके रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको मोस्ट हेडिंग जो अगली आपको हेडिंग होगा, चलिए उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, आपको इसमें आपको इसका फार्मूला क्या आता है, व्यंजक क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, चलिए करते हैं। दोस्तों, आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इसे यू से व्यक्त करते हैं। इसे का मतलब दोस्तों होता है स्थिति ऊर्जा का, ऊर्जा को, और यह राइट करिएगा, यह है एक है अदिश है राशि है। दोस्तों, आपको यह कौन सी राशि होता है, अदिश है राशि है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे मात्रक की बात किया जाए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक है जूल है, तथा अगर दोस्तों बीमा पूछा जाएगा तब आप क्या बताओगे, मात्रक तो जूल होता है, कार्य का मात्रक वही, और कार्य का जब मात्रक वही है कार्य वाला, तो बीमा भी आपको हो जाएगा, तथा बीमा mL²T^-2 होती है। दोस्तों, आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए देखिए आगे स्टेप आपकी आपकी तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए, दोस्तों आपका अगला हेडिंग होगा दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अगर दोस्तों आपको दो बिंदु आवेश दिया गया है, उस जो निकाय, उससे जो निकाय बनता है उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो दोस्तों चलिए देखिए, इसमें आपको हम फिगर बनाते हैं। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर कोई बिंदु आवेश ले लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ए हो जाता है, और यहाँ पर मान लेते हैं बी, इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों स्मॉल आर मान लेते हैं। दोस्तों, और यहाँ पर कोई आवेश रखा उसको मान लेते हैं Q1, और दोस्तों हम यहाँ पर जो पॉइंट बी होगा, यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाता है, और इस पर दोस्तों आपको कोई आवेश Q2 रखा गया है,
दोस्तों यही हम आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। दोस्तों आपको फिक्र यही रहेगा, यहाँ पर दोस्तों आप Q2 वहां ना राइट करके Q2 वहां भी राइट कर देंगे, दोनों आपको बात एक ही होगा क्योंकि हमें इसको यहाँ से यहाँ तक लाना होगा। दोस्तों चलिए तो हम राइट करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों राइट करेंगे माना बिंदु बी का विभव कैपिटल वी है, तब है विभव v इज इक्वल टू 1/4πε0। दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से यहाँ भी एकल बिंदु आवेश के कारण वही लिया जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे आप Q1/r। दोस्तों अब दूसरा राइट करेंगे, इसके बाद हम नीचे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। दोस्तों राइट करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने, तो ध्यान दीजिएगा लाने में किया गया कार्य। तो चलिए देखिए आपको यहाँ पे होगा आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। दोस्तों आपको कार्य का फॉर्मूला तो पता होगा W = V × Q2। दोस्तों आपको विभव के फार्मूले से यहाँ से निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब इसको समीकरण एक मान लीजिएगा, यहाँ से V का मान रख देते हैं, W = V का मान हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ से दोस्तों Q1 होगा Q1/r, बगल में आपका दोस्तों Q2, इतना उम्मीद करते हैं आपका क्लियर होगा। तो चलिए देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको दोस्तों यहाँ से जाएगा W = 1/4πε0 Q1 Q2/r। दोस्तों इसके बाद राइट कर देंगे हम, अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब दोस्तों जो आपको यही कार्य किया जा रहा है यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। दोस्तों इसके बाद हम राइट करेंगे, अतः है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = W, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा इस किए गए कार्य के बराबर होगा, इसलिए दोस्तों आपको वैल्यू रख देंगे U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। दोस्तों आपको यही फार्मूला होगा, जब दो बिंदु आवेश दिए रहेंगे उनके बीच आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालना होगा। दोस्तों आपको यही फार्मूला लगाना होगा। तो दोस्तों आप एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया। दोस्तों आपको कुछ हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो आज तक आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से इसी से हम कुछ निकाल के बताते हैं आपको, जो नोट पॉइंट में राइट करना होगा नीचे। दोस्तों आप लोग राइट करिएगा नोट पॉइंट में, जो कि आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा। देखिए नोट आपको पहला होगा दोस्तों यहाँ से, तो देखिए आपको कुछ अपने से आप कमेंट करिएगा दोस्तों आप कितना सही बता लेते। देखिएगा दो सजातीय आवेशों के बीच, देखिए दो सजातीय अगर आवेश आपको लिया गया है, दो सजातीय आवेश लिया जाएगा तो जो यहाँ से आपको अगर देखिए दोस्तों अगर आपको सजाती मतलब प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस आएगा और माइनस माइनस का गुणा कर देंगे क्या जाएगा प्लस, तो ये आपको प्लस में आ रहा है। अगर दोनों सजाती आवेश लेते हैं तो यहाँ Q1 × Q2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो से बड़ा होगा कि जीरो से छोटा, Q1 × Q2 > 0, जीरो से बड़ा है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों धनात्मक। तो आप ध्यान दीजिएगा दो सजाती आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा धनात्मक तथा दो विजातीय
आवेशों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर दो विजातीय आवेश ले लेते हैं एक धन में एक ऋण में, तो दोनों इसका जो मल्टीप्लाई आएगा दोस्तों Q1 इंटू Q2 जो लेस देन हो जाएगा जीरो से के बीच, जो आपको इसका मान क्या जाएगा दोस्तों, राइट कर दीजिएगा ऋणात्मक होगा। यहाँ से आप राइट कर देंगे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। इतना आप दोस्तों सेंटेंस सही करिएगा। देखिए एक बार दोबारा बताते हैं, दो सजातीय अगर आवेश है उनके जो बीच आपको स्थिति ऊर्जा होगा वो धनात्मक होगा, तथा अगर दो विजातीय आवेश है उसके बीच जो स्थिति ऊर्जा होगा उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और अगर आपको दे देते हैं, अगर दो सजातीय आवेशों को समीप लाते हैं तो उनके जो बीच है स्थिति ऊर्जा होगा उसका मान आपको बढ़ेगा, तथा यहाँ पर देखिए अगर उसको दूर दूर ले जाते हैं तो उनके पर है ना, अगर दो सजातीय आवेश लिया जाता है दोस्तों, दो सजातीय आवेश अगर आपको ले लेते हैं दोस्तों, इन दोनों आवेशों को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पास लाते हैं, अगर एक बार पास लेके आए और एक बार अगर इन दोनों को हम दूर करते हैं, ध्यान दीजिएगा दो सजातीय आवेशों को समीप का मतलब पास पास लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में, यहां से वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या होती दोस्तों, वृद्धि, आप पॉइंट में लिखिएगा, और तथा दोनों सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में क्या आती है, कमी। दोस्तों आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और अगर दूसरा पॉइंट आपको देते, दो विजातीय आपको आवेश ले लेते हैं, दो विजातीय आवेश, दोनों विजातीय आवेश लेते हैं सेंटेंस में दोस्तों आप राइट करिएगा, एक बार इनको देखिए हम पास लाते हैं और एक बार इन दोनों को हम दूर कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, दो सजातीय आवेशों को पास लाने पर जो आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है उसमें आपको दोस्तों कमी हो जाती है, और तथा दूर ले जाने पर उसमें क्या होती है वैद्युत स्थिति ऊर्जा में, वृद्धि हो जाती है। दोस्तों आप एक पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दोस्तों आपको, यहाँ से आपको दोस्तों बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से बताते हैं आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो सजातीय आवेशों को समीप या पास लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, तथा दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में कमी होती है। अगला पॉइंट बनाएंगे, दो विजातीय आवेशों को पास या समीप लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में कमी, तथा दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर दो सजातीय आवेश हम लेते हैं, इसका मतलब आपको देखिए यहाँ पर दोनों सजातीय आवेश क्या होंगे, मतलब समान समान, प्लस प्लस ले लेते हैं, और Q2 यही है, और इसका मतलब जो विजातीय आवेश रहेगा दोस्तों यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2 यहाँ आंसर है, मतलब एक थे प्लस होगा एक थे माइनस होगा। दोस्तों अगर आपको दोनों सजातीय आवेश है तो इनके बीच ही चाहेगा, इसको प्रतिकर्षण लगेगा और इसको प्रतिकर्षण बल, दोनों आपको प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब ये चाहेगा जो आपको Q1 इसको दूर उधर भगाए और Q2 जो बल लगाए इधर दूर भगाए, जब दोनों के बीच में आपको दूर दूर भगा रहा है, इनको जब हम पास लाएंगे तो हमको ज्यादा वाह आपको ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, मतलब दोनों समान आवेश, ध्यान दीजिएगा जिनको समान आवेश है जो इनका बल लगेगा इसके कारण, देखिए जो आपको इस पे बल लगेगा F2 उधर कर देगा और चाहेगा F1 उधर बल लगेगा, दोनों विपरीत दिशा में, मतलब इसका बल इधर इसका दोनों विपरीत दिशा में है, तो और इसको हम समीप लाएंगे तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला इसको इधर ढकेल रहा है इसको उधर ढकेल रहा है, तो हमको बहुत मेहनत से पास करके लाना पड़ेगा। हम कार्य जब ज्यादा करेंगे तो जो कार्य किया जाता है, हमने बताया बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो कार्य किया जाएगा वही तो आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जब दूर दूर कर इसको पास लाएंगे तो हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा दोस्तों, आपको इसमें क्या हो जाएगा स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगा, और जब दूर दूर ले जाएंगे इनको, जब दूर दूर करेंगे स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा दोस्तों, और ज्यादा आकर्षण बल होगा। वही चीज यहाँ पर आपको जाएगा, विजातीय जब आवेश होंगे इनको जब हम पास पास लाते हैं, ये दोनों के इसमें देखिए दोनों में आपको क्या लगता है प्रतिकर्षण बल, यहाँ पे प्रति यहाँ प्रतिकर्षण होगा और यहाँ पे कौन सा बल लगेगा आकर्षण, दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जब पास पास लाएंगे तो दूरी भी आपको घट जाएगी यहाँ से आसानी से, और आवेश भी कार्य जो आपको होगा कार्य कम करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा ना, तो इसमें क्या होती कमी, लेकिन दूर दूर करेंगे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसमें क्या रहती है दोस्तों वृद्धि होती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आपको अगर अगला हेडिंग की तरफ हम लेके चलते हैं दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग होगा, दो से अधिक है
बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत ऊर्जा अगर आपको दो से अधिक बिंदु आवेश दिया गया है तो उस निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं आपको कोई एक फिगर ऐसे बना लेते हैं। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों Q3, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इन दोनों के जो बीच का दूरी करना होगा, यहाँ मानते हैं Q1 Q2 Q3 हमने तीन आवेश ले लिया है, इनके जो बीच की दूरी होगा R12 हो जाएगा, इसके बीच की दूरी R23 होगा, इसके बीच की दूरी R13। दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो आपको यहाँ से बनेगा दोस्तों U=U1+U2+U3। तो इतना क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते देखिए, तो आपको जाएगा U=U1 का मान 1/4πε0। यहाँ से Q1 Q2 इन दोनों के बीच दूरी कितना है R12, तो दोस्तों आपको R12 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ दोनों के आपको आवेश ले Q2 Q3, आवेश Q2 Q3 अपान दोनों के बीच की दूरी R23। क्लियर हो दोस्त। अगला के चलते हैं 1/4πε0, फिर दोनों के आवेशों के जो बीच आवेश है Q1 Q3 अपान यहाँ पर हो जाएगा R13। तो क्लियर, इसमें से आपको जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन ले लीजिएगा, U=1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। जो बचता देखिए, Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23, फिर अगला हो जाएगा प्लस Q1 Q3 अपान R13। तो क्लियर दोस्तों, आपको यहीं तक छोड़ देंगे तभी से हो गया। तो दोस्तों आप और आगे बढ़ना चाहे तो शॉर्ट में इसको राइट कर देंगे 1/4πε0। दोस्तों यहाँ पर एक सिग्मा आप बनाएंगे, इस तरीके सिग्मा होगा, यहाँ पर दोस्तों जाएगा QI, फिर अगला हो जाएगा QJ अपान RIJ। इस तरीके से दोस्तों आप राइट करेंगे और यहाँ पर कुछ और अच्छा खासा क्या राइट कर देंगे। देखिए, जो I का मान हम 1 से शुरू करेंगे, I=1 और J=2, और बढ़ते हुए हम सब कहाँ तक जाएंगे, N तक। लेकिन दोस्तों बट आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, I≠J, मतलब IJ का मान बराबर आपका नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको यही चीज ही बनाना, चलिए देखिए आपको तो कॉमन है, यहाँ पर देखिए I का मान 1 रखते हैं और J का मान पहले 2, शुरुआत यहीं से करना थे, बढ़ते I का मान 1 J का मान 2, यहाँ पर जाएगा R12 तो मिल गया, फिर यहाँ पर R12 तो आपको Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ेंगे, I का मान 2, इसका मान 3, तो आपको देखिए यहाँ 2 यहाँ 3 तो ये मिल जाएगा, फिर यहाँ 2 यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ 2 यहाँ 3 तो ऊपर मिला। अगला रखेंगे, इसका जो मान आपको होगा यही लेके आना होगा, इसका मान I का मान हम 1 रखते हैं, फिर J का मान आपको बढ़ते हुए 3 रख देते हैं, तब भी आपको दोस्तों यहाँ से वही देखिए मिलता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इतना क्लियर होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, और आपको कोई परेशानियां होगा तो इसमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद।